दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है चाइना इतना सस्ता मोबाइल कैसे बना लेता है और भारत में इतने महंगे मोबाइल क्यों बनते हैं? आखिर भारत और चाइना में ऐसा क्या है? शायद आपको ये भी नहीं मालूम कि चाइना मोबाइल बनने का प्रोसेस क्या होता है। जानिए वीडियो के लास्ट तक, बने रहना। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको जो बातें बताने वाले हैं वो वाकई में आपकी आंखें खोल कर रख देंगी, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जो शायद ही आप लोगों ने कभी सोची हो। जैसा कि हमसे लगातार ये पूछा जाता है कि क्यों चाइना के मोबाइल इतने सस्ते मिलते हैं और बाकी देशों के मोबाइल इतने महंगे होते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आखिर क्यों चाइना के मोबाइल इतने सस्ते होते हैं और उसके अलावा चाइना के मोबाइल फोन से रिलेटेड कई सारी बातें हैं जो आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। इसलिए दोस्तों आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर हाजिर हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo इसके साथ ही कई सारी और भी नामी गिरामी कंपनीज मार्केट में मौजूद हैं, जिनके मोबाइल फोन्स मार्केट पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। और सबसे ज्यादा कब्जा तो अकेले Xiaomi ने कर रखा है, जहां दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन तो यही है। ऐसे में दोस्तों ये फोन न सिर्फ आपको सस्ते मिलते हैं बल्कि अपने नाम में अपने से दुगने दाम वाले मोबाइल फोन के टक्कर भी देते हैं, और ये वजह है कि कस्टमर इन्हें सस्ता, सुंदर, टिकाऊ समझकर खरीद लेता है। पर सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर चाइना में बनने वाले ये मोबाइल फोन इतने सस्ते मिलते कैसे हैं? दोस्तों हम आपके सवाल का जवाब देने के लिए इस वीडियो को अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आपको ये बात विस्तार से समझानी बहुत जरूरी है कि चाइना किस तरह की स्ट्रेटेजी पर काम करता है। और वहां पर मोबाइल फोन सस्ते होने का सबसे बड़ा फैक्टर है लेबर, यानी कि श्रमिक। अब जैसा कि हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाइना की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में वहां पर बहुत से लोग काम ढूंढने की तलाश में लगे रहते हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत सस्ते में काम करना पड़ता है। आप माने या ना माने, लेकिन जितने मजदूर चाइना में हैं उतने शायद कहीं और नहीं होंगे। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां पर तरह तरह की चीजें बनाई जाती है। ऐसे में इतनी सारी लार्ज स्केल में चीजें बनाने के लिए मैनुअल वर्क तो चाहिए ही चाहिए, और इसी मैनुअल वर्क के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वर्कर के तौर पर हायर किया जाता है, जिन्हें बहुत कम मजदूरी में काम करना पड़ता है। और तो और वहां की कंपनीज की पॉलिसीज भी बहुत स्ट्रांग होती है। कई बार तो ऐसा होता है रात रात भर कंपनी में वर्कर्स काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब वर्कर कम रेट में मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का रेट कम हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो चाइनीज कंपनीज चीप मार्केटिंग करती है, यानी अपनी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती, ना ही ये इतने बड़े बड़े शोरूम बनवाती है, और यही वजह है कि इनके प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। और दोस्तों अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो कंपनीज को सुविधा बहुत ज्यादा मिलती है, और वो सुविधाएं उन्हें कोई और नहीं बल्कि चीन की सरकार देती है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि हमारा देश इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों की वजह से चल रहा है, जिस वजह से वो जितनी हो सके उतनी सुविधाएं इन कंपनीज को मुहैया करवाती है। फिर चाहे सुविधा ट्रांसपोर्ट की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो या किसी और चीज की, हर चीज में सरकार कंपनी के साथ रहती है और एक्सपोर्ट को भारी मात्रा में बढ़ावा देती है। इसी वजह से जब वहां से सामान दूसरी कंट्री में भेजा जाता है तो सरकार बहुत कम ड्यूटी लेती है, और इस वजह से मोबाइल फोन सस्ते में मिलते हैं। और अगर हम अपने अगले फैक्टर की बात करें तो वो कुछ और नहीं बल्कि ऑनलाइन सेल है, क्योंकि चाइना में कई सारे प्रोडक्ट डायरेक्ट ऑनलाइन बिकते हैं और ऐसे में इन्हें डीलर्स को मोटा कमीशन नहीं देना पड़ता, जिसके कारण उनका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सस्ता हो जाता है, क्योंकि इसमें उन्हें किसी भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माल कस्टमर तक पहुंच जाता है। अब अगर हम अपने नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो वो कुछ और नहीं बल्कि रिसर्च है, क्योंकि कई सारी कंपनीज जब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती है तो उससे पहले उन्हें बहुत सी रिसर्च करनी पड़ती है, उसी में काफी सारी मेहनत और पैसा भी खर्च होता है, जिस कारण प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन चाइना में किसी भी तरह के प्रोडक्ट की कॉपी करने के लिए कोई भी नियम कानून नहीं बनाया गया, जिस वजह से कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी की कॉपी करके मार्केट में आराम से उतर जाती है और उसे ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती। जाहिर सी बात है, जहां जहां पैसा बचता है वहां वहां प्रोडक्ट की रेट गिरती जाती है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट फैक्टर है क्वालिटी। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी क्वालिटी काफी लो होती है, हालांकि इतनी लो भी नहीं होती कि उसे हम चला ना पाए, लेकिन हाँ बाकी देशों की कंपनी के मुकाबले ये अपनी क्वालिटी लो रखते हैं। और इसके साथ ही चाइना हर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है, हाई, मीडियम और लो। ये तो कस्टमर पर डिपेंड करता है कि उसे किस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदने। अब तक आपको पता चल गया होगा कि चाइना के प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों होते हैं,
क्योंकि हमने उससे रिलेटेड सभी फैक्टर डिस्कस कर दिए हैं। लेकिन अब अगर बात करें इंडिया के प्रोडक्ट्स के इतने सस्ते क्यों नहीं होते, तो सबसे पहले इंडिया में कंपनीज को सरकार की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। हालांकि अब तो गवर्नमेंट कई सारे नए रूल्स लेकर आई है जिस पर अगर काम किया जाए तो देश में मोबाइल और गैजेट मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ सकता है, पर ये सभी सुविधाएं बस कुछ ही सालों पहले आई थी और तब तक चाइना के सभी मोबाइल हमारी कंट्री में पूरी तरह से छा गए थे, जिस कारण कोई इंडियन कंपनी चाहकर भी उठ नहीं पा रही थी। उसके साथ ही यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की कॉपी नहीं कर सकते और लेबर के लिए तो कड़े कानून हमारे देश में मौजूद हैं, जिसमें अगर इन्हें चाइना की तरह रात रात भर काम कराया जाएगा तो कंपनी बंद होने के कगार पर आ सकती है। और यही सब सारी वजह है कि हमारे देश में मोबाइल फोन सस्ते नहीं मिलते, पर हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव जरूर होंगे जिसमें हमारे देश में बनाए जाने वाले गैजेट्स भी दुनिया भर में अपना नाम करेंगे। बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बता दो। बाकी अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? शानदार लगी ना? तो इसे सब तरफ फैला दीजिए और हमारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।